आज क्या कर रहे हैं आप दिल्ली में? क्या कर दिया आपने? अरे एयरपोर्ट बिक गया, एयरलाइन बिक गई, एलआईसी बिक गई, बिजली बिक गई, तेल बिक गया, सवाल किया ना सरकार को रोकने का काम है। हम सवाल कर सकते हैं, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। संसद को चलने से रोका गया है और सवाल पूछा गया है, चाहे किसानों के मुद्दे पे हो। अरे आप, अब मुझे लगता है तिलक जी पवन जी को भी थोड़ी नॉलेज कम है। कोई बात नहीं है पवन जी, कोई बात नहीं है तिलक जी, कोई बात नहीं है पवन जी को बोलिए, अगली बार सोच के आइए, अगली बार थोड़ा सा विपक्ष के बारे में भी जानकारी लेके आइए, बैठ जाइए। कोई बात नहीं है, मैं मानता हूँ। तो ये चंद लोग बंद कर दिया था आपने, भूदेव जी प्लीज, किसने आना बंद कर दिया था इन्हें बता दो, पवन जी प्लीज इन्हें बता दो कि सरकार ने इनके जो प्रवक्ता थे ना, उन्होंने प्रवक्ता लिखना बंद कर दिया था, राजनीतिक विश्लेषक लिखन लगे थे, ये डिबेट में आने बंद हो गए थे। पूछ लो इन्हें इस किसान आंदोलन से पहले अरे यहाँ तिलक जी, जब किसानों की बहस हो रही है तो आप ऐसे लोगों को जो सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं। आज देश को जरूरत है एक साथ सरकार से लड़ने की, और ये सरकार की भाषा बोलने वाले लोग हैं, इन लोगों ने ही आंदोलन को बदनाम करने का काम किया था। ये चंद लोग फालतू की बातें करते हैं, ये कुछ कमा जी ये बताएंगे कि विपक्ष का क्या काम है। आप दोनों बहुत सम्मानित है प्लीज, बनोगे नेता तो नहीं, आपके कंधे पे बंदूक रख के चलाइए। बहुत आंदोलन कर लिए भाई आपने, बहुत आंदोलन किया इस देश में ना, इस देश को आजाद कराने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया। इस देश को 70 साल में जो विश्व गुरु बनाने का काम हम जो कर रहे थे, वो आप जैसे चंद लोगों ने जो बीजेपी भक्त थे, आज केवल किसान आंदोलन में जुड़े हो, लेकिन आपने ऐसी तानाशाही सरकार बनवाई, विपक्ष को कमजोर करवाया, जिसका आज ये परिणाम पूरा देश भुगत रहा है। आज बेरोजगार युवा देश का परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है। प्लीज आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, तुम्हारी भूदेव जी प्लीज, पवन खेड़ा साहब मेरे साथ जुड़ गए, एक सेकंड। सारे तो जमानत पे बैठे हैं तुम टीवी चैनलों पर आना बंद कर दिया था आपने, बताया राजनीतिक विश्लेषक लिखन लगे आप, किया था आप बोलना भी नहीं सीखे थे। देश का कोई मुद्दा है, किसान आंदोलन की देन है जो टीवी पर बोल रहे हो आप एक बोल अच्छे सकते थे किसानों के एक अच्छे प्रवक्ता को बुलाना चाहिए। प्लीज पवन जी ये लोग चाहते हैं कि विपक्ष भी दूर जाए, देश के लोग भी दूर जाए। गोवा में ये किसानों को, ये वो लोग हैं ये जो किसानों की मांग को पूरा होने देना नहीं चाहते। चैनल पर पता है नहीं कुछ भी, आप बैठ गए, आप बैठ गए, आपको नहीं पता कुछ भी। एक सेकंड रुकेंगे आप पवन जी प्लीज, नहीं आपको बहुत पता है, आप लोगों को ये नॉलेज नहीं है। भूदेव जी प्लीज, बीजेपी नेता मेरे साथ पवन खेड़ा साहब जुड़ गए, इनको बोलिए थोड़ा जानकारी दे दीजिए प्लीज, लड़ना नहीं है जानकारी पवन भाई प्लीज, बैठ जाओ। कर लिया, बहुत कर लिया तुमने। एक सेकंड, मैं एक बात जानना चाहूंगा, और करेंगे आप जैसे लोगों के कहने से, ना तो बंद करेंगे और ना आपके कहने से करेंगे। ये देश हमारा भी है समझे, आप लोग केवल बीजेपी की भाषा बोलने वाले लोग, हम तो बीजेपी की बोले, आप जैसे और आप जैसे एक दो लोग, आप जैसे एक दो लोग, आप जैसे एक दो लोग भाई, तुम हमें सर्टिफिकेट दोगे बीजेपी वाले, जिसका परिणाम आज हमारे देश के किसान भी भुगत रहे हैं और बीजेपी वाले। अरे ये किसान नेता है तिलक जी, ये मुझे तो लगता नहीं कि ये किसान नेता है, ये कोई किसान नेता है। आपने किसान प्रवक्ताओं को बुलाइए, पीछे वाला नॉलेज है, पीछे वाला एक सेकंड प्लीज कांग्रेस विजय खेड़ा साहब मेरे साथ लगे थे कांग्रेस का नाम लिखने से, ये हमें बताएंगे कि कौन किसान होता है, विपक्ष क्या कर रहा है, ये बताएंगे हमें। अच्छा किसान नेता नहीं है, ओके एक सेकंड दिल बड़ा करो भाई, प्लीज एक सेकंड, इसके लिए दिल बड़ा करूं भूदेव जी प्लीज, इन्हें पता नहीं कुछ भी,